इतना बड़ा ढाबा सबने खोल दिया है आप सबके प्यार में, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत जगह खाना खाया, लेकिन जो ग्रेट खाली का जो ढाबे का खाना है बहुत ही अच्छा है। तो हर एक तबके का बंदा यहाँ पे आ सके, इसलिए सर ने इसको ढाबे का नाम दिया है। शायद बहुत बड़ी बात सर ने बता दी है कि पूरे भारत में इससे बड़ा ढाबा आज से पहले नहीं देखा होगा आपने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी जीटी रोड पे ऐसा खाना नहीं है आज की डेट में। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना है और इतना अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, एक आइटम नहीं है भाई साहब, 500 आइटम है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात खाना महंगा नहीं है यहाँ पे, खाने का रेट बहुत कम है। 5,000 गाड़ियां लिया, 10,000 गाड़ियां लिया, 15,000 लिया, पार्किंग की टेंशन नहीं है मेरे भाई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे थाली का साइज कितना बड़ा है, कैसे दिखाऊंगा ये देखो आप। सर एक बार हाथ दिखाना, ऐसे करना, दोनों को जोड़ना एक बार। इतनी बड़ी यहाँ पर थाली है, बिल्कुल जो तलका को देखेगा उनको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। बहुत बड़ी बात, ताली हो जाए भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों सामने आपने बोर्ड देख लिया होगा, समझ गए कुछ भाई, कुछ नहीं समझे उनको समझा देता हूं। आपका भाई तहलका बचाने के लिए करनाल में आया है खली के ढाबे में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां इस जगह को बनाया गया है, कितनी प्यारी ये लोकेशन है करनाल मेन रोड पे। ये देखिए आप, अंदर आ जाओ खली सर, वेट कर रहे हैं नलायको, जल्दी आओ। तो दोस्तों अंदर खली भाई साहब हमारा वेट कर रहे हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने इनवाइट किया। तो दोस्तों करनाल में मच गया बहुत तगड़ा तहलका, आज से पहले आपने इतना बड़ा ढाबा नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा नाम कमाने वाले, हमारे देश को ऊपर लेके आने वाले हमारे भाई साहब जिन्होंने पूरे देश में रौनक ला दी, चार चांद लगा दिए अपने नाम से, उनका नाम है द ग्रेट खली। सर मेरे साथ बैठे हैं, सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना बड़ा ढाबा सर ने खोल दिया है आप सबके प्यार में और इतने डाउन टू अर्थ सर है कि सभी आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे जनता खाना खाने आई हुई है। उसके बावजूद सर ने एक बार भी किसी को मना नहीं करा, सारे बच्चे सारे बड़े फोटो कराने के लिए सर के पास आए हुए हैं। करनाल में सर का ढाबा ओपन हो चुका है, ढाबे का साइज, ढाबे में कितने बंदे आ सकते हैं सर से बात करेंगे टक टक करके एक साल। सर पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। आपने जो चार चांद लगा दिए ना, बस मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। पहले तो आपने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, उसके बाद आपने जनता का टेस्ट बनाने के लिए ढाबा खोल दिया बहुत बड़ा और जिसका नाम रख दिया द ग्रेट खली ढाबा। तो सर ये ओपनिंग आपने कब करी और कैसे आपको विचार आया इसके बारे में बताइए आप। मेरे को आज एक महीना हो गया ओपनिंग करके और सबसे पहले मैं तहलका चैनल का आपका सभी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा और अभी एक महीना हुआ है मेरे को ओपनिंग करके और जो मेरे मन पे ख्याल था कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्समैन क्या है कि मेरे को अच्छी डाइट चाहता है कि भी अच्छी डाइट मिले, तो मेरी एकेडमी पीछे है, जिम पीछे है और रेस्लिंग भी आप सब लोगों ने देखी है। तो मेरा एक ड्रीम था कि जो एक हाइजीनिक खाना है उसकी ज़रूरत है सभी को ही, क्योंकि आज की डेट पे बहुत लाइफ बहुत फास्ट जा रही है, बहुत किसी के पास बहुत कम लोग ऐसे घर पे खाना खाते हैं, घर पे खाना बनाते हैं। आजकल लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, तो मैं सोचता था कि भाई क्यों नहीं इनको मतलब एक हाइजीनिक मतलब एक रेस्टोरेंट खोला जाए और जिसमें अच्छा मतलब खाना होए, देसी खाना होए और एक जैसे मतलब ऑर्गेनिक आटा होए, ऑर्गेनिक घी होए और सारी चीजें जैसी चीजें हुए जो ताकि मतलब एक अच्छा खाना मिल सके। और बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत जगह खाना खाया, लेकिन जो ग्रेट खाली का जो ढाबे का खाना है बहुत ही अच्छा है, तो बड़ा एक प्राउड फील होता है। तो सर ने बताया कि मैं देना चाहता हूँ सबको देसी खाना, सर ने शुरुआत कर दी करनाल में। यहाँ पे जो भाई नहीं आया अभी तक वो यहाँ पर आता ना तहलका भाई के कहने पे, सर के कहने पे तहलका बहुत तगड़ा मच गया यहाँ पे, खाने का टेस्ट एक नंबर है और यहाँ पे सर के नाम से एक थाली भी है तो सर बताएंगे किस नाम से वो थाली है। मेरे ख्याल से ग्रेट खाली, बिल्कुल ग्रेट खाली थाली है और ऐसे से और भी बहुत सारी आइटम है, मेरे को पूरा नाम अभी याद नहीं, मेरा तो जेम है उसको पता है ना, पर लेकिन मेरा तो काम था कि भी एक साफ सुथरा खाना बनाया जाए जी और बड़ा सा खाना ढाबा बनाया जाए जिसमें लोग सब लोग आ सके। बहुत सारे क्या होता है कई बार मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपने जो ढाबा बनाया फाइव स्टार का टाइप का है,
मैं ढाबा नाम इसलिए भी दिया है ताकि मतलब ढाबा सुनकर हर बंदा हर एक तबके का बंदा यहाँ पे आ सके, इसलिए सबने इसको ढाबे का नाम दिया है। और इसका साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे 500-600 बंदों की सीटिंग है, तहलका कम नहीं है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक बार तो आपने यहाँ पे एंट्री मारनी है। नीचे एड्रेस आ रहा, लोकेशन आ रही। सर की तमन्ना थी कि भाई मैं पूरे हिंदुस्तान में देसी खाना खिलाऊंगा, और सबने तमन्ना पूरी कर दी है। जब देसी की बात आ गई तो देसी देसी कलाकार थी जो कि भैया का गाना है, मतलब तहलका चारों तरफ है मेरे भाई जी। मेरे को लगता है कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट शायद ही कहीं होगा, शायद। बहुत बड़ी बात सर ने बता दी है कि पूरे भारत में इससे बड़ा ढाबा आज से पहले नहीं देखा होगा आपने, और ये सबसे बड़ा ढाबा है। जितने बड़े हमारे सर है उससे ग्रेट खाली है, इतना बड़ा ढाबा है, इतने बड़े ग्रेट खाली है, उतना बड़ा ढाबा है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आपको आके फूफा जी की कसम, यहाँ पे तहलका मचना चाहिए तहलका भाई के कहने पर। और यहाँ पे ना एक से बढ़कर एक आइटम है, एक दो नहीं है। मैं आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ, मेन्यू लेकर आओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी जीटी रोड पे ऐसा खाना नहीं है आज की डेट में। अच्छा जी, इतना बढ़िया खाना है, बहुत बड़ा तहलका। यहाँ के कस्टमर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि पूरे भारत में मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना है, और इतना अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात, तालियां। आंटी की बात सुनो, इससे बढ़िया खाना पूरे भारत देश में नहीं मिलने वाला। रसोई का खाना है, घर की रसोई का खाना है, साफ सुथरा और देसी। साफ सुथरा देसी। ये देखिए आप हमारे सर की फोटो, जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। ये देखो चारों तरफ छाए हुए हैं सर के मेन्यू की फोटो। देखो बाहर भी आपको एंट्रेंस पे यही फोटो दिखने वाली है। और ये देखो मेन्यू, देखो आप, ये देखिए आप, एक आइटम नहीं है भाई साहब, 500 आइटम है यहाँ पर। ये देखिए आप, सबसे बड़ी बात खाना महंगा नहीं है यहाँ पे, खाने का रेट बहुत कम है। लोगों को आप बुलाना भी चाहते हो, प्यार भी देना चाहते हो, रेट भी आपने ज्यादा नहीं करा, बहुत कम कर दिया। मैं सोचता हूँ ताकि हर तबके के लोग आ सके, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ताकि सब लोग आ सके और एक अच्छा खाना, सबको जरूरत है अच्छे खाने की, ताकि हर बंदा अच्छा खाना खा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे सर की गोदी में आके फोटो करवा रहे हैं। इतना सुनहरा मौका फिर कब मिलेगा मेरे भाइयों, तहलका बचाने के लिए आ जाओ। बात चल रही थी पार्किंग की, पूरे भारत में किसी भी होटल के सामने, किसी भी ढाबे के सामने इतनी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग आपने नहीं देखी होगी। सर के यहाँ पर आप 5,000 गाड़ियां ले आओ, 10,000 गाड़ियां ले आओ, 15,000 ले आओ, पार्किंग की टेंशन नहीं है मेरे भाई। सर का दिल बहुत बड़ा है, पार्किंग बहुत बड़ी पार्किंग है, इतने बड़े ग्रेट गली है, उतनी बड़ी पार्किंग है, उतना बड़ा ढाबा है, और उतनी बड़ी ही यहाँ पे थाली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे थाली का साइज कितना बड़ा है, कैसे दिखाऊंगा ये देखो आप। सर एक बार हाथ दिखाना, ऐसे करना, दोनों को जोड़ना एक बार। इतनी बड़ी यहाँ पर थाली है जितना बड़ा सर का हाथ का साइज है। ये देखिए आप, हर एक चीज यहाँ पे आपको बड़ी मिलेगी। पार्किंग बड़ी, यहाँ का ढाबा बड़ा, मैं कह रहा हूँ थाली बड़ी, तहलका सब जगह बड़ा। यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए, तहलका बहुत तगड़ा है। नीचे एड्रेस आ रहा, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा। और हाँ सर ने एक छोटा सा ऐलान और करना है, सर तहलका भाई की वीडियो देखकर कोई आएगा तो डिस्काउंट कितना, 10% या 5%? बिल्कुल, सर तहलका को देखेगा उनको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। बहुत बड़ी बात, तालियां हो जाए भाई। तहलका प्रैंक की वीडियो तो देखकर आएगा, उसको 10% का डिस्काउंट वीडियो दिखा देना, यहाँ के जीएम को तहलका मच जाएगा। तहलका मैं बताता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। सर लव यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा मेरे फेसबुक पेज तहलका प्रैंक पे 1:30 बजे। खाली सर ने रिंग पे मेरे साथ क्या किया, मेरे को उठा के पटका, तोड़ा, पीटा, इसका वजह तो कल ही मिलने वाला है आपको। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक, ठीक है ना। मेरे तहलका प्रैंक को फॉलो करके जाना, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।